sees as to how we slowly but completely integrate all those who have once been a part of India or are going to be a part of India. That's the beauty of our inclusivity. अनेकता में एकता, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म सर्वभाव, यही है हमारे देश की पहचान। भारत का स्वाधीनता दिवस समारोह, 77वां स्वतंत्रता दिवस, लाल किले के प्राचीर के ठीक सामने राष्ट्रीय ध्वज गार्ड गारद मौजूद है, जिसमें सेना, नौसेना, वायुसेना और दिल्ली पुलिस के 5 अधिकारी और 128 सैन्यकर्मी मौजूद हैं। कमान संभाली है मेजर अभिनव देथा ने। सेना का जो कंटिंजेंट है उसको लीड कर रहे हैं मेजर मुकेश कुमार सिंह। नौसेना दस्ते की कमान संभाली है लेफ्टिनेंट कमांडर हरप्रीत मान ने। और वायुसेना कंटिंजेंट को लीड कर रहे हैं स्क्वाड्रन लीडर श्रेय चौधरी। दिल्ली पुलिस के दस्ते की कमान संभाली है एडिशनल DCP शशांक जायसवाल ने। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ध्वजारोहण करेंगे और राष्ट्रीय ध्वज गार्ड द्वारा राष्ट्रीय झंडे को सलामी दी जाएगी। 21 तोपों की सलामी, 8711 फील्ड बैटरी, जिसकी कमान लेफ्टिनेंट कर्नल विकास कुमार संभाल रहे हैं और गन पोजीशन ऑफिसर हैं नायब सूबेदार अनूप सिंह। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन लाल किले की प्राचीर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रीचिंग the top level of the ramparts to address the nation. पहले ध्वजारोहण, राष्ट्रीय सलाम, सलाम, भारतीय वायुसेना के 2 उन्नत हेलीकॉप्टर मार्क 3 पुष्प वर्षा के लिए उपस्थित होते हुए यहां ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर के ठीक सामने कुछ ही क्षणों में वो पहुंचेंगे और पुष्प वर्षा करेंगे यहां उपस्थित जन समूह के ऊपर। विंग कमांडर अंबर अग्रवाल और स्क्वाड्रन लीडर हिमांशु शर्मा इन 2 हेलीकॉप्टर्स में उपस्थित, जिन्होंने हिंडन एयरबेस से उड़ान भरी है। उपस्थित जनसमूह आह्लादित है, प्रसन्न है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी स्वयं अभिवादन कर रहे हैं इन एयर वॉरियर्स का, इन जांबाजों का, जिन्होंने देश की वायुसेनाओं की रक्षा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और यहां स्वाधीनता दिवस समारोह को एक पुष्पित कलेवर प्रदान करते हुए The ceremonial red and gold flower petals being showered from the air warriors up in the sky. And here, the national